रवि गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंदों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग श्रवण करेंगे, जीवन में जरूर गुरु ग्रहण करनी चाहिए, जिसको गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु गुरु भव निधि तर हीन कोई, जो बिरिंचि शंकर सम होई। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जब तक जीवन में हम गुरु ग्रहण नहीं करते हैं, अगर ब्रह्मा शंकर जी जैसा अगर हो जाए तभी संसार से पार नहीं हो सकते हैं। फिर गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े का के लाग पाऊं, बलिहारी श्री गुरु जी जो गोविंद दिया बताऊं। अगर भगवान अगर गुरु जी खड़े हुए तो हम सबसे पहले किसको प्रणाम करेंगे, बोले श्री गुरु जी के चरण में, क्योंकि भगवान को हमें दिखाने वाले कौन है, बोले गुरु जी दिखाने वाले। कृष्ण भी एक ही बात कहते हैं, बोले प्रथमंतु गुरुम पूज्यम ततश्चैव मम अर्चनम कुर्वन् सिद्धिमाप्नोति यन्यथा निष्फलम भवेत्। कृष्ण कहते हैं, प्रथमंतु गुरुम पूज्यम, पहले गुरु जी की पूजा करना, उसको बाद में मेरी पूजा करना। अगर ऐसे नहीं करते हुए जो पहले मेरी पूजा करके बाद में गुरु पूजा करते हैं, उनका सबके सब निष्फल हो जाता है। लेकिन गुरु तो करनी चाहिए, शास्त्र कहता है। भगवान राम भी वशिष्ठ जी को गुरु बनाया भगवान होते हुए, भगवान कृष्ण भी उन्होंने भी जीवन में गुरु बनाया। उन्होंने श्री शांति पुण्य मुनि को तो उन्होंने विद्या अध्ययन का गुरु बनाया, लेकिन जिससे दीक्षा मंत्र ग्रहण किया वो सांडिल्य ऋषि को ऋषि से, इसलिए उन्होंने भी गुरु बनाया। श्री चैतन्य महाप्रभु वो भी ईश्वरपुरी पाद को अपना गुरु बनाया। जब महाप्रभु श्री ईश्वरपुरी पाद से मिलते हैं, महाप्रभु क्या कहते हैं, बोले प्रभु बोले गया यात्रा सफल अमार, जत क्षण देखिला चरण तुमार। कहते आज मेरी गया ना सार्थकता हो गया, क्यों, आज श्री गुरुपाद पद्म का दर्शन मिला। इसलिए हे गुरुपाद पद्म, मैंने ये शरीर को आपका चरण में समर्पित कर दिया, आप कृपा करके हमें भवसागर से उद्धार करो। इसलिए भगवान भी स्वयं गुरुकरण करते हुए शिक्षा दिया, जीवन में गुरु करनी चाहिए। लेकिन शास्त्र में और भी एक बात बताया, गुरु कर जान के और पानी पियो छान के, ये भी बात बताया। इसलिए अभी प्रश्न है, फिर गुरु कैसे करनी हमें चाहिए, मतलब चार पांच विषय को पर विचार करके हमें गुरु ग्रहण करनी चाहिए। पहला नंबर है, गुरु कभी भी अपने आप को भगवान नहीं बोलते हैं, क्योंकि गुरु जी का काम क्या है, गुरु जी का काम वो है जो जीव को भगवान से जोड़ दे, ये गुरु जी का काम है। इसलिए अगर स्वयं गुरु जी अगर भगवान के सिंहासन पर स्वयं बैठ करके अपनी आप को भगवान बोलना शुरू कर दिया, फिर तो हो गया। इसलिए जैसे जैसे ध्रुव महाराज जी हैं, उन्होंने उनका गुरु कौन है, भले से नारद जी, लेकिन नारद जी से ध्रुव जी ने मंत्र प्राप्त किया। लेकिन श्री नारद जी ध्रुव जी को कौन सा मंत्र दिया, बोले ओम नमः भगवते वासुदेवाय। क्या श्री नारद जी बोले तुम मेरा ही मंत्र को तू जप करो, उन्होंने भगवान का नाम को दिया। श्री प्रह्लाद महाराज, उनको गुरु भी श्री नारद जी है, लेकिन उन्होंने किसकी उपासना की बात बताई, भगवान की। जैसे श्री वाल्मीकि वो भी दशरथनाकर पहले था, लेकिन जब श्री नारद से भेंट हुआ, बोले भगवान का नाम जप करो, बोलो श्री राम, उन्होंने श्री राम का नाम उन्होंने दिया है,
कभी नारद जी अपने आप को भगवान नहीं बनाया, इसलिए गुरु जी का पहला जो लक्षण है वो कभी भी अपनी आप गुरु जी को अपनी आप अपना को भगवान नहीं बताए। ये जो व्यक्ति अपनी आप को जो गुरु भगवान बताते हैं कहते वो एक तरह का पाखंडी है, वो गुरु बनने का लायक है नहीं। इसलिए गुरु कभी अपने आप को, इसलिए हमारे भारत में ऐसे कुछ गुरु हुए हैं जो अपने आप को भगवान बोलना शुरू कर दिया, लेकिन आप लोगों को सब पता होगा वो सारे भगवान अभी जाकर जेल में बैठे हुए हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जब जेल में प्रकट हुए, जब वसुदेव महाराज उनका अपना सर पर उठाया, अपने आप उनकी हथकड़ी बेड़ी खुल गई, अपने आप दरवाजा खुल गया, ताला खुल गई, पहरादार सो गए, भगवान पार होकर गोकुल चले गए। इसलिए भगवान प्रकट होने पर क्या होता है, जेल अपने आप खुल जाती है। लेकिन अभी का जो भगवान ये सब के सब जाकर जेल में जाकर के बैठ गए। इसलिए कभी भी गुरु अपने आप को भगवान नहीं बताते हैं, ये गुरु का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण क्या है गुरु जी की, श्री गुरुपाद पद्म किसी शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में ही आनी चाहिए। इसलिए हमारे पद्म पुराण में बताए, बोले संप्रदाय विहीना जे मंत्रास्ते विफला मता, अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वार संप्रदायिन। ये पद्म पुराण कहता है, भगवान स्वयं कहते हैं अगर कलियुग में मेरे पास में कोई आना चाहते हैं, ये चार महीने ये वैष्णव संप्रदाय मैंने बनाया, ये चार वैष्णव संप्रदाय में कोई एक वैष्णव संप्रदाय को आपको चुनना पड़ेगा, भगवान स्वयं कहते हैं तभी मेरे पास में आप आ सकते हो। इसलिए गुरु बनाने चाहिए, ऐसे नहीं बिना विचार किए हुए जहाँ तहाँ हमने गुरु ग्रहण करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर कलयुग में ऐसे कुछ लोग है जो अपने आप को भगवान कले स्व अहम शिव अहम, इसका मतलब क्या होता है, सो अहम मतलब क्या है, सो मतलब वह है, अहम मतलब मैं ही भगवान हूँ। शिव अहम का मतलब क्या है, जो शिव मैं शिव हूँ, क्या हम शिव है। कुछ लोग कहते हैं हम सो हम करते करते शिव हम करते करते बस एक दिन शिव एक दिन भगवान बन जाएंगे। अरे अगर सो हम करते करते एक दिन भगवान बन जाओगे, अपने आप को बोलो ना करोड़पति अहम करोड़पति अहम अरबपति अहम अरब, फिर अरबपति बन जाओगे। नहीं, एक तरह का ये लोग भगवान आसन को ये दखल करना चाहते हैं। इसलिए ये जो सद्गुरु होते हैं वो कभी भी स्व अहम कभी भी शिव अहम मंत्र को कभी नहीं देते हैं, जीव कभी भगवान बन ही नहीं सकते हैं। इसलिए ये वैष्णव संप्रदाय में जीव आने पर उसमें क्या होता है, ये शुद्ध वैष्णव संप्रदाय, जैसे कि आप अपना बच्चे को किसी स्कूल में एडमिशन करोगे, आप देखोगे वो जो स्कूल है बोनाफाइड है कि नहीं, वहाँ पर पढ़ाई सही होता है कि नहीं। अगर हम 100 रुपया की कोई चीज़ खरीदी करते हैं 10 बार विचार करते हैं ये चीज़ सही है कि नहीं, और श्री गुरुदेव अपनाएंगे जो जीवन का सर्वस्व उस जिस मार्ग पर हम चलने वाले, बिना विचार किए हुए गुरु बना देंगे, नहीं। नियम है गुरु बनाने से पहले देखो, ये चार जो वैष्णव संप्रदाय जो बना भाई संप्रदाय हैं, संप्रदाय का मतलब क्या। इसलिए कुछ कुछ लोग कहते हैं अरे भजन करना इस संप्रदाय संप्रदाय चक्कर में क्यों पड़ते हो, नहीं, ये भगवान स्वयं कहते हैं मैं चार ये वैष्णव वैष्णव को जगत में भेजूंगा। पहला कौन है, सख्यात माँ लक्ष्मी। दूसरे कौन है, पितामह ब्रह्मा। तीसरा कौन है, स्वयं भोले बाबा शंकर जी। चौथा है स्वयं ब्रह्मा का मानस पुत्र चतुसन। ये चार व्यक्ति को मैं भेजूंगा और इनका जो प्रवर्तक, इस धर्म को जो जगत में प्रवर्तक करेंगे, श्री संप्रदाय का आचार्य स्वयं श्री रामानुज, ये राम का अनुज स्वयं लक्ष्मण। दूसरे ये मध्वाचार्य, ये कौन है, स्वयं भीम और स्वयं हनुमान मिल करके श्री मध्वाचार्य हुए। और जो तीसरा नंबर के स्वयं शंकर जी को जो जिसे प्रवर्तन हुआ जिसमें श्री विष्णु स्वामी हुए। जो चौथा हुए
श्री निम्बार का आचार्य हुए, ये चार बड़े बड़े वैष्णव इसी धरागु जगत में लाएंगे। जैसे हमारी संप्रदाय में भगवान सर्वप्रथम ये ब्रह्म विद्या उनने किसको प्रदान किया, सर्वप्रथम भगवान ब्रह्म विद्या बोले ज्ञानम में परम गुह्यम जद विज्ञान समन्वितम स रहस्यंच तदगंच गृहाणम गदितम मया। भगवान सर्वप्रथम ये ब्रह्म विद्या श्री ब्रह्मा जी को दिए हैं, भगवान की नाभि कमल से ये ब्रह्मा सृष्टि हुए, भगवान विद्या ब्रह्मा को दिए, फिर ब्रह्मा किसको दिए, ब्रह्मा फिर दिए श्री नारद जी को, नारद फिर व्यास को, फिर व्यास श्री मध्वाचार्य को, फिर उसी परंपरा में श्री माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी पाद आए, उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन, उसमें श्री नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्री भक्ति विनोद ठाकुर और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद और उनका आश्रित करते हुए हमारे गुरु जी नितलीला प्रविष्ट शिल भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज शिल भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज उनका शिष्य रूप में हम। ये विद्या कहाँ से आई, भगवान से ये विद्या आया, इसलिए उसका नाम कहते संप्रदाय। ये जो संप्रदाय का मतलब क्या, संग मतलब होता है सम्यक रूप में, प्र मतलब जो प्रदान करता है, दा मतलब जो दान, जो पूर्ण रूप में सम्यक रूप में भगवान को जो दान करते हैं उसका नाम कहते हैं संप्रदाय। इसलिए ये सत्य युग से ये संप्रदाय आया। एक उदाहरण दिया, जैसे यहाँ लाइट जल रही है, लेकिन ये जो लाइट जल रही है क्या सब कुछ है, नहीं, ये कहीं इलेक्ट्रिक बन रही है, कहीं पावर हाउस में वहाँ कंट्रोल होता है, वहाँ से तार से लगते हुए तार के माध्यम से अभी यहाँ आ करके यहाँ जल रही है। कहते उसी तरह ये जो संप्रदाय में अभी जो हम भगवान को भक्ति कर रहे, आया कहाँ से ये भक्ति धारा, आया कहाँ से, ये भगवान से आया ये संप्रदाय। अभी क्या होता है, कुछ कुछ नए नए संप्रदाय अपने आप मन में गढ़ंत प्रकट हो जाता है। कोई कहते हैं वहाँ पर एक नया संप्रदाय हो गया, वहाँ पर दो कोई नया संप्रदाय हो गया, भैया इसका कोई दुकान है क्या, नहीं। इसलिए केवल बोनाफाइड ये चार संप्रदाय है, भगवान खुद कहते हैं चार में अगर कोई एक संप्रदाय को हम आश्रय ग्रहण करेंगे एक दिन ये जीव निश्चिंत रूप में ये भगवान को पास में ये जा सकते हैं।